नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच चुके हैं, बैठक हो रही है वहां पर। आज कैप्टन के आवास पर ही बैठक हो रही है क्योंकि पंजाब में सियासी पारा अपने चरम पर है। और इस बीच 2 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी, जिसमें उनके समर्थक विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। कुछ लोगों का और पहुंचना वहां पर बाकी है, हमारे संवाददाता से हम और अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच आपको हम पूरी खबर बता दें। ये देखिए, ये जो गाड़ी का काफिला आप देख रहे हैं, दरअसल कुछ देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे अपने आवास पर और वहां पर आज जो सरकारी आवास है वहां पर बैठक हो रही है। 2 बजे का वक्त दिया गया था जो उनके समर्थक विधायक हैं उन्हें पहुंचने का। और दरअसल शक्ति प्रदर्शन है कुल मिलाकर। आज 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें कि ये तय हो जाएगा कि आगे पंजाब का नेतृत्व कौन करेगा। और इन 2 तस्वीरों में पंजाब की पूरी राजनीति आप देख लीजिए। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, कुछ समय पहले की, जब केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन यहां पहुंचे थे और उनकी अगवानी करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद उनके साथ साथ हो गए। एक तस्वीर ये है और आज शाम में बैठक होने वाली है जिसमें ये मौजूद रहेंगे। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में कैप्टन आपको अकेले नजर आएंगे, गाड़ी का काफिला यहां नजर आ रहा है, लेकिन उनके साथ साथ कितने विधायक हैं ये देखने वाली बात होगी। दावा कि ये किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा विधायक हो सकते हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे कि क्या कैप्टन के आवास पर बैठक शुरू हो गई? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी पहुंचे हैं, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। और इसके साथ ये भी श्वेता अपडेट दे दूं मैं आपको कि तकरीबन 2 दर्जन के करीब विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के उनके पास पहुंच गए हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो विधायक आ रहे हैं ये अपने पार्टी ऑर्डर को दरकिनार करके आ रहे हैं। यानी कि पार्टी हाईकमान ने इन विधायकों को ये कहा था कि 2 बजे होने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग में ना जाएं और 5 बजे जो विधायक दल की आधिकारिक मीटिंग है उसमें जाएं और उसमें अपनी राय शुमारी दें। लेकिन यहां पर तस्वीरें क्या है ये देखिए, लगातार एक एक करके यहां पर गाड़ियां आ रही हैं और अब तक बिल्कुल मतलब गिनती सटीक नहीं है, लेकिन अंदाजे के अनुसार 2 दर्जन के करीब विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास यहां पर पहुंच गए हैं। यानी कि अगर 20-25 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पहुंचे हैं तो ये वो हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के इनको कट्टर समर्थक आप कह सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री आवास पे देखिए वाहन अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और जो मीटिंग है वो यहां पर लगभग शुरू हो चुकी है। तो 2 जगह मीटिंग हो रही है, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना दम दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू खेमा है। और वहां से अगर वहां से खबरों की बात करें तो वहां से खबरें ये भी आ रही हैं कि आज ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि 5 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में 3 नाम लिए जाएंगे जिनमें कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा, सुखी रंधावा और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का नाम शामिल है। हालांकि सुनील जाखड़ विधायक नहीं है लेकिन उसके बावजूद उनको ये कहा जा रहा है क्योंकि अब विधानसभा चुनावों में सिर्फ 5 महीने बचे हैं तो लिहाजा सुनील जाखड़ को विधायक बनने की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी और जब आम चुनाव होंगे विधानसभा के तो उसमें वो चुनकर आ सकते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए समय के लिए वो पंजाब के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तस्वीरें पंजाब के मुख्यमंत्री निवास की भी मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, चहलकदमी यहां पर बढ़ गई है, सरगर्मी बढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर पंजाब में एक तरीके से सियासी संकट यहां पर पूरी तरीके से बना हुआ है और बहुत जल्द इस पर जो है लगाम लगेगी। लेकिन 5 बजे की जो मीटिंग है उसके बाद फैसला होगा कि आगे राजनीति किस करवट बैठती है पंजाब की। सत्येंद्र, लेकिन यहां पर आज मुख्य तौर पर यह देखना होगा कि शक्ति प्रदर्शन वहां पर दरअसल होने वाला है, कुल मिलाकर यही होने वाला है। लेकिन ये आप यहां बताइए कि क्या जो कैप्टन दावे कर रहे थे कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है या फिर एटलीस्ट 40 विधायक उनके समर्थन में हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं बैठक के लिए? देखिए, 40 विधायक तो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, इतना जरूर है कि 2 दर्जन के करीब यानी कि 20 से 30 विधायकों की संख्या हो सकती है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पहुंचे हैं। और इसमें कुछ विधायक ऐसे भी होते हैं श्वेता जो दोनों तरफ हाजिरी लगाते हैं, यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू खेमे में भी जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में भी चले जाते हैं। लेकिन अब जो बात है, अब उसमें दरअसल यहाँ पर अब गिनती होगी, हेड काउंट होगा। अगर विधायक दल की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में
कांग्रेस के 80 विधायक मौजूद होंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक के सामने, और वहां पर बाकायदा हाथ उठाकर नाम लेकर जो है ये विश्वास प्रस्ताव पास कराया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, क्या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बतौर मुख्यमंत्री आगे रखना चाहते हैं या फिर किसी नए नाम पर मुहर लगती है। तो ये मीटिंग 5 बजे होगी, लेकिन इससे पहले पंजाब की राजनीति में कहीं ना कहीं सरगर्मी का माहौल बना हुआ है, और यहाँ तक भी मैं बता दूं कि पंजाब के राज्यपाल राजभवन के पास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यानी कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर जिस तरीके से विधायक दल की मीटिंग में दरकिनार किया गया है, आगे उनको दरकिनार किया जाता है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मजबूर होकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में विधायक दल एक नए नेता और नए होने वाले मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। श्वेता, बिल्कुल। और यहाँ पर मौसमी, हम जो यहाँ से तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए उस तस्वीर में बहुत कुछ साफ हो जाता है, लेकिन फिर भी इंतजार तो 5 बजे का करना ही पड़ेगा हमें। देखिए, अजय माकन जब जैसे ही पहुंचते हैं तो उनके साथ हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू को अगवानी वहां करते हुए। एक तरफ अलग से आलाकमान से ऑर्डर आ चुका है कि भाई कैप्टन के यहाँ जो बैठक हो रही है उसमें कोई ना जाए, कोई विधायक ना जाए, सीधे 5 बजे मीटिंग में पहुंचे, लेकिन फिर भी एक बैठक हो रही है। तो लगभग तस्वीरें बहुत साफ है कि कमांड यहां से क्या जा रहा है, ये लोग क्या चाह रहे हैं, यानी कि आला कमान क्या चाह रहे हैं, और वहां हो क्या रहा है कैप्टन खेमे में। देखिए श्वेता, ये पहली बार है जब हमने पार्टी हाईकमान की तरफ से इस तरह के निर्देश आते देखे हैं हाल ही में, और पार्टी हाईकमान की तरफ से इतनी सक्रियता देखने को मिली, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और खासतौर से जो सारे निर्देश हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू की अपॉइंटमेंट हुई उससे लेकर अब तक जो भी कहानी या किस्सा रचा जा रहा है, चाहे वो नवजोत सिंह का सीधा प्रहार हो कैप्टन को लेके या लगातार जो बयानबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने भले ही कहा हो कि वो अपने बयानबाजी पर लगाम कसे, पर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की रजामंदी मिली हुई थी। और यही वजह है कि आप देखिए कि आज ये साख का सवाल हो गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, क्योंकि दो फाड़ में जो कांग्रेस नजर आ रही है वो नवजोत सिंह वर्सेस कैप्टन नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दो फाड़ कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व और पार्टी हाईकमान यानी कि पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर हुए हैं, क्योंकि जो पार्टी नेतृत्व चाहता था उसके हिसाब से ही ये पूरी पटकथा लिखी जा रही है। ऐसे में क्या ये कितना कारगर साबित होगा या पार्टी को कितना नुकसानदेह होता है, ये आगे बिल्कुल देखने वाली बात होगी। आप दोनों नजर बनाए रखें, आगे भी जानकारी लेंगे। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब में एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है, और आज कांग्रेस विधायक दल की चंडीगढ़ में बैठक हो रही है। माना यह जा रहा है कि पार्टी कोई अहम फैसला ले सकती है, तो आखिर वो फैसला क्या हो सकता है। सिद्धू के सलाहकार ने एक ट्वीट कर लगातार हो रही कयासबाजी को और तेज कर दिया है। क्या पंजाब में बदलाव की तैयारी है? कांग्रेस की सस्पेंस वाली बैठक का इंतजार है? सिद्धू के सलाहकार कह रहे हैं अब पंजाब का सीएम बदलने का वक्त आ गया है। कांग्रेस नेताओं की चंडीगढ़ में रेस शुरू हो गई है। आज की मीटिंग के बारे में कुछ नहीं, अभी अभी बस पंजाब जा रहे हैं, तो 5 बजे वहाँ पे विधायक दल की मीटिंग है। कौन कौन शामिल होगा? अब ये मैं नहीं जानता, लेकिन विधायक दल की मीटिंग सर ये लगातार जो चल रहा है घमासान, कब थमेगा ये? कोई घमासान नहीं है, सब ठीक है। तो शाम 5 बजे क्या होने वाला है ये ठीक ठीक कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस नेता अजय माकन और हरीश चौधरी की दिल्ली से चंडीगढ़ की दौड़ ऐसे ही नहीं है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में खटपट एक बार फिर तेज हो गई है। इसका अंजाम क्या होगा, शायद इसका फैसला आज शाम को होने वाली मीटिंग से निकल कर आए। वो पार्टी दियां जड़ियां इंटरनल पॉलिसीज हैगियां जां उन्हें ते डिस्कशन कर ली यह मीटिंग हैगी है। मैं इसको काटो क्लेश नहीं मानता, मैं तो ये कहता हूं कि देखो हर आदमी का व्यू पॉइंट है, उसको सीएलपी की मीटिंग में बुला के सुन लेना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम। पी की मीटिंग जो हमारे इश्यूज है, जो पेंडिंग इश्यूज है, उसको डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग है। हालांकि
बैठक से पहले सिद्धू के एक सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने ट्वीट कर कयासबाजी तेज कर दी है। उन्होंने कहा है कि 2017 में पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन दुखद है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं दे पाई। पंजाब के दुख और दर्द को समझते हुए अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए। 2017 का चुनाव कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर के चेहरे पर लड़ा। चुनाव में जीत मिली तो कैप्टन को कमान, उनके सीएम रहते सिद्धू पंजाब कांग्रेस के मुखिया बने और फिर पार्टी में अपनी पैठ भी बनाई। ऐसे में सिद्धू के सलाहकार का सीएम बदलने वाला बयान विरोधियों को हमले का मौका दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को अब पता चल गया है कि कोई भी ताकत जो है कांग्रेस को डूबने से बचा नहीं सकती, इसलिए बार बार कोशिश होती है कि कभी पार्टी का अध्यक्ष बदल लो, कभी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बदल लो, लेकिन अब इलेक्शन तो सिर पे है। 2.5-3 महीने में कोई भी नया सीएम भी ये बना ले तो जो अनाउंसमेंट्स हैं इनकी, जो प्रॉमिस है लोगों के साथ, वो कौन पूरे करेगा? कैप्टन साहब का चोन मैनीफेस्टो अपने आप च एक बहुत वड्डा फेलियर सा ग्रंथ बन के सामने आ चुके हैं। मैं जिवें तुसीं शुरू च किया सीगा कि पहली कैबिनेट मीटिंग च कर्जा माफ करना सी, नहीं किया। पूर्ण कर्जा माफ करना सी, नहीं किया। एक महीने च नशा खत्म करना सी, नहीं किया। बेरोजगारां नूं सरकारी नौकरी देनी सी और जब तक सरकारी नौकरी ना दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देना सी, अज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। लिस्ट बहुत लंबी है चोन वायदे की जिहड़ी कैप्टन साहब पूरी नहीं कर पाए। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के बाद से सस्पेंस बढ़ गया है। कांग्रेस के 40 विधायकों की मांग पर ये बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी लिखने वाले सभी विधायक सिद्धू खेमे के हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सिद्धू और कैप्टन में सियासी घमासान को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान कोई बड़ा फैसला ले सकता है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।